अच्छा सर, पंजाब में ये पायलट प्रोजेक्ट एक लगा है यहाँ पर, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया या कोई ऐसा प्लान है आगे करने का इस हवाले से, क्योंकि बिजली की जो शॉर्टफॉल आने वाली गर्मियों में फिर हो जाता था, इसी तरीके से वो खपत पूरी हो नहीं पाती और ख़ासकर बहावलपुर के अंदर सोलर कायद अजम सोलर प्रोजेक्ट लगा और पिछली हुकूमतों ने वादा किया कि बहावलपुर को रियलिटी दी जाएगी इस हवाले से, तो चले मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेने के लिए काम कर। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम करें तो कुछ ना कुछ करके यहाँ पे जो आपके स्कूल है प्राइमरी स्कूल जो जिला भावलपुर के नासिक कोई डिवीजन के बाद तकरीबन कोई 2200-2300 वाले स्कूल हैं, वो मेरे सोलर सर हो चुके हैं। आपकी शिकर से है ये नहीं कि कुछ आप पूरे हैं और खासतौर पर साउथ के इसको शौक है इन शाला पर भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट हैं, हमने यूपी में एस्को मॉडल पे किया 1 मेगावाट का, तो उस तरह के हमारे एग्रीमेंट पे 29 यूनिवर्सिटी के साथ हैं और वो आपकी जो हमारा भावल विक्टोरिया अस्पताल है उसको मैंने CSR में एमरजेंसी को सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान किया और इंशाल्लाह महीने डेढ़ में उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जितने हमारे बड़े इदारे हैं, आपके पुलिस स्टेशन हैं, तो साउथ का जब नाम आता है तो भावल पर हमेशा काम पर होता है, तो रॉयल्टी तो फेडरल हुकूमत का इशू है, इंशाल्लाह मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन ये कि भावलपुर को जो लोगों का जो हक है इंशाल्लाह वो हम पूरा देंगे, उस पर किसी को ना कोई शक है ना ही कोई उस पर कोई आदो बदल कर सकता है। और तीसरी जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे तो यहाँ आकर ये खुशी होती है कि इतना बड़ा इतनी बड़ी जामिया है कि 53,000 स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और यूनिवर्सिटी में इतने 50 यूनिवर्सिटी के बाद इतनी तादाद हो बच्चों की, तो ये बहुत बड़ी नेमत है इसके लिए लोगों के लिए जो पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। भावलपुर की अपनी एक हिस्ट्री है, भावलपुर की अपनी शनाख्त है, भावलपुर के लोगों के साथ पूरे पाकिस्तान के लोगों के दिल धड़कते हैं, कोई उसमें दो राय है ही नहीं कि भावलपुर को कोई इग्नोर कर सके। तो सर, ये जो स्कूलों में आपने सोलर लगाए थे, सैकड़ों की तादाद में वो चोरी हो जाते हैं, उसके लिए पायदार सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता कि उनकी सैकड़ों की तादाद में नहीं हुए, मेरे पास टोटल फिगर है मेरे पास, मेरे चीफ इंजीनियर अभी पूरे खड़े हैं, तो वो आपको पूरी फिगर अभी बता सकते हैं कि कितने हुए हैं, क्यों हो जाता है। देखिए, उसमें ये है कि जो स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल दूर दराज इलाकों में हैं और जो टीचर्स हैं वो ज़ाहिर है दिन को होते हैं रात को होते नहीं हैं, हमारी अपनी सोसाइटी है, तो कम अज़ कम मैं एक मैसेज भी ज़रूर देना चाहूँगा कि ये हमारे जो आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के मुतल्लिक ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उनका मुस्तकबिल तारीख ना करें, इनके लिए हमने एक पॉलिसी बना रहे हैं कि उनके सिक्योरिटी गार्ड हम उस पर तैनात करें, क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। हम एक चीज़ कर सकते थे कि हमारे जो 2500 स्कूल थे जहाँ पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक बिजली नहीं थी, हमने उन स्कूलों पर भी सोलर लगाया है और जिसका फ़ायदा हुआ है कि क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है अच्छे अजीज हैं, हमारे पास बिल्डिंग थी, टीचर थे, स्टाफ था, लेकिन बच्चे नहीं थे। जब से ये सोलर लगा है 2 साल हो गए हैं तकरीबन, गर्मियों में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेहतर हो गई है और उसकी पॉलिसी हम एक बना रहे हैं। ये जो अभी ONM हमारा होता है कि जो 2 साल उन्होंने जिस कंपनी ने लगाए हैं वो इसकी चोरी के जिम्मेदार हैं, वो पूरा करके देंगे जब वो हैंड ओवर करेंगे। कुछ अजला में ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर हो गए, अभी कुछ अजला में हैंड ओवर होना बाकी है, तो मैं समझता हूँ एक पॉलिसी के तहत हम उसमें सिक्योरिटी गार्ड के जो भर्तियाँ हैं वो इंशाल्लाह करने लगे हैं। और उस पर मैं अभी आपको एक और भी खुशखबरी देता चलूं कि सिंगल फेज जो हमारे ये स्कूलों में लगे हैं, ये सिंगल फेज मीटर्स पे लगे हैं, तो मैं अभी मिनिस्टर पावर से बात करके आया कि हमें सिंगल फेज नेट मीटरिंग अलाउ कर दें ताकि 2 बजे के बाद जब स्कूल बंद होते हैं तो बिजली तो बनती रहती है और गर्मियों की छुट्टियों में 3 महीने ये स्कूल बंद होते हैं,
तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है हम इससे भरपूर फायदा उठा सकें और जो सिस्टम इसे लगते जाए उसकी कीमत के बदले हम सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दे सकें, तो इस तरह का मैकेनिज्म इंशाल्लाह उस पर वर्क। थैंक यू। الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك على هذه الجامعة وعلى هذه بلد أهل هذا البلد اللهم ارزقنا وقلنا دو منٹ دے دیں بہت مبارک ہو۔